बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी के चौदह बड़े फ़जाइल नंबर एक अगर कोई घर में दाखिल होने पर आयतल कुर्सी पढ़े तो इस घर में गुरबत दाखिल नहीं होगी नंबर दो जो रोज़ाना आयतल कुर्सी की तलावत करता है वो शतान और उसकी शरारतों से महफूज रहेगा नंबर तीन सुबह आयतल कुर्सी की तलावत आपको रात तक अल्लाह की हिफाज़त में रखेगी नंबर चार जब आप बाहर जा रहे हों तो हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ें इसकी तलावत आपको फरिश्तों की हिफाजत में रखेगी नंबर पांच वो शख्स जो सोते वक्त आयतल कुर्सी की तलावत करता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है नंबर आयतल कुर्सी की तलावत इंसान को अल्लाह पाक की बरह रास्त हिफाजत में ले जाती है नंबर सात जिस घर में आयतल कुर्सी पड़ी जाए अगर इसमें शैतान है तो यकीनन भाग जाएगा नंबर आठ आयतल कुर्सी हर किस्म के शरफ से बचाती है नंबर नौ रसोल्लाम ने फरमाया जो भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है इसे मौत के सिवा जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती नंबर दस जो शख्स रात को आयतल कुर्सी पढ़ कर सोता है अल्लाह ताली इसे सुबह की नमाज की अदायगी की तोीक अता फरमाता है नंबर ग्यारह आयतल कुर्सी की यह हकीकत और अजमत है कि इसकी तलावत करने वाला मसलसल ज़िक्र की लज्तों से सरशार रहता है और वो शख्स हिफाजत खुदाबंदी में रहता है नंबर बारह जो शख्स होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला इसके घर और इसके पड़ोसी के घर और इसके आसपास के घरों को अमान दे देता है नंबर तेरह जो शख्स हर फर्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला मजात खुद इसकी रूह कब्ज़ करता है नंबर चौदह जो शख्स नमाज के अख्ताम के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है अगली नमाज शुरू होने तक वो अल्लाह की नगाशत में रहता है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल